प्यारे बच्चों आज हम जलवायु के बारे में सीखेंगे सामान्यतः रूप में लोग जलवायु और मौसम को एक ही अर्थ में मान लेते हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं किसी स्थान विशेष के थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं अर्थात वायु का तापमान धूप बादल वर्षा वायु दिशा वायु वेग आदि उस स्थान का मौसम कहलाता है जबकि किसी भी स्थान के मौसम का लंबे समय तक आंकलन किया जाए तो उस स्थान के मौसम का प्रतिमान उभरता है इस मौसम के प्रतिमान को जलवायु कहते हैं किसी क्षेत्र की जलवायु वहाँ की स्थिति समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी भूमध्य रेखा से दूरी आदि बातों पर निर्भर करती है यही कारण है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु में विविधता पाई जाती है कहीं अधिक गर्मी है तो कहीं अधिक ठंड और कहीं वर्ष भर अधिक वर्षा भारत की विविधताओं को दर्शाते हैं भारत में पूर्वोत्तर राज्य में की जलवायु में वर्षा अधिक होती है तो पश्चिम में राजस्थान में वर्षा कम होती है उत्तर में लद्दाख में बर्फबारी होने के कारण ठंड पड़ती है तो दक्षिण में केरल तमिलनाडु जैसे राज्यों की जलवायु होती है। जलवायु की विविधता का प्रभाव मनुष्य के रहन सहन खान पान और जीवन शैली पर पड़ता है जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घरों को बांस के खंभों पर खड़ा किया जाता है दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ के घरों की छतें ढालू बनाई जाती है ताकि उन पर बर्फ न जम सके भारत में मुख्यतः छह ऋतुएं मानी गई हैं: ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु इनमें बसंत ऋतु को श्रेष्ठ माना गया है शीत ऋतु इस ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी ना पड़ने के कारण मौसम ठंडा रहता है इस ऋतु में लोग ऊनी और गर्म वस्त्र पहनते हैं ग्रीष्म ऋतु इस ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान बहुत बढ़ जाता है गर्म हवाएं चलने लग जाती है जिन्हें लू कहते हैं लोग ठंडे पे जैसे फलों के रस शरबत आदि पीते हैं लोग सूती और हल्के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं वर्षा ऋतु भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है ये मानसूनी हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बहते हुए पहाड़ों से टकराती हैं, जिस कारण वर्षा होती है गर्मी से व्याकुल लोगों और जीव जंतुओं को गर्मी से राहत मिलती है शरद ऋतु इस ऋतु में मानसून वापस लौटने लगता है और लौटते हुए तमिलनाडु और केरल राज्यों में वर्षा करता हुआ जाता हेमंत ऋतु यह ऋतु अपने सुहावने और लुभावने मध्यम ठंडे मौसम के लिए जानी जाती है बसंत ऋतु इस ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है और पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय